हमारा देश 23 भाषाओं लगभग 1652 बोलियों का संगम है। ये भाषाएं बोलियों रूपी नदियां जिस समुद्र में समा जाती हैं वह है हिंदी, जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है। देखिए रीवा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। यह हमारा सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य, आज हम 14 सितंबर 1949 को बनी राजभाषा यानी हिंदी को याद कर रहे हैं। आज़ादी के 71 साल बाद भी आधुनिकता या गुलामी, जिसे आप अंग्रेजी कह सकते हैं, ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। हमारे चारों तरफ सोची समझी साजिश के तहत एक आवरण बना दिया गया, जिससे निकलने के लिए हमारी राजभाषा आज भी छटपटा रही है। रीवा दर्शन के मन में ढेरों सवाल थे, जिसमें एक था, हर देश की एक भाषा, उसी भाषा में उसका मुखिया बोलता है, भले ही वह उसके लिए दुभाषीय का प्रयोग करे, लेकिन हमारी भाषा हिंदी या अंग्रेजी। ऐसे ही सवालों के जवाब की तलाश में रीवा दर्शन टीम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जा पहुंची, जहां पर हिंदी दिवस पर एक जलसे का आयोजन किया जा रहा था। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, हम बचपन से ही हिंदी भाषा ही बोलते हैं। एक मैं बोलना चाहूँगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि हिंदी अपने करोड़ों नागरिकों की मस्तिष्क और हृदय की खुराक मानी जाती है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा ईमान है, हम हिंदुस्तान के हैं, हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो स्वतंत्रता की लहरें हमारे दिलो दिमाग में भर जाती हैं। हम और भी बहुत सारे दिवस मनाते हैं, उसी क्रम में हमारे इस मातृभूमि, हमारे भारत भूमि, हमारी मातृभाषा हिंदी दिवस। निश्चित रूप से हिंदी के विकास में कहीं ना कहीं रोड़े होंगे। हमारी हिंदी हिंदुत्व की पहचान न बने, हमारी हिंद की पहचान बने, ऐसी कोई बाधा होगी। हमारे संविधान ने, हमारी सरकारों ने हिंदी दिवस को प्रोत्साहित किया होगा। हर से अपना बनाती है ये दुश्मनों को, प्यार से अपना बनाती है, हर धर्म में एक धागे से फिरोती है। जो देव नगरी में, जो देव नगरी में देवों की गाथा सुनाती है, जो देव नगरी में देवों की गाथा सुनाती है, ये हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी कहलाती है, ये हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी कहलाती है। मैं हिंदी को इस राष्ट्र की संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिलनी थी, उसका विकास होना था। स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद भी अपने देश की कोई एक संपर्क भाषा नहीं है। इतना बड़ा देश, महादेश, और हिंदी विश्व के कोने कोने में बोली जाती है, फिर भी वो एक तरह से अपने ही देश में असहाय सी है। इसलिए जो 14 सितंबर है उसको, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में याद दिलाने के लिए, लोगों को, राजनेताओं को याद दिलाने के लिए, इस देश को याद दिलाने के लिए कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी एक भाषा होनी चाहिए। आप दक्षिण में चले जाइए, आप बंगाल में चले जाइए, आपको लगता है कि एक ऐसी संपर्क भाषा होनी चाहिए। हमारे देश में दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणों से, आंचलिक कारणों से, क्षेत्रीय राजनीति के चलते हिंदी को राजनीति का शिकार होना पड़ा, नहीं तो अब तक कोई दुविधा नहीं थी कि हिंदी एक पूरे देश के कामकाज की भाषा बन जाती, संपर्क की भाषा बन जाती। अब देखिए कि जब तक हिंदी को आप ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बनाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आप अंग्रेजी में, मेडिकल साइंस पढ़ाएंगे अंग्रेजी में, जो इंजीनियरिंग है उसे अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, जज अपने फैसले अंग्रेजी में लिखेंगे, एक छोटा सा पुर्जा, एकदम धुर देहात में रहने वाला झोला छाप डॉक्टर भी अंग्रेजी में लिखता है,
इस देश की गुलाम मानसिकता का तो कुछ कहना ही नहीं। पूरे आप हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े गर्व से सीना तान के बोलते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। वो सीना कहाँ है, वो आँखें कहाँ है, वो देखती नहीं कि कुकुर मुत्ते की तरह देहात में, गांव में, तहसील में, कस्बों में, ब्लॉक में, सब जगह अंग्रेजी पब्लिक स्कूल खुले जा रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी पाठशालाएँ हैं, जो हमारी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन है, जो हमारे महाविद्यालय हैं, उनमें शिक्षक नहीं हैं, उनमें पढ़ाई लिखाई का टूटा पड़ गया है, लड़के मध्याह्न भोजन के अलावा कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से। तो जब तक हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बनाएंगे, आप कामकाज की भाषा नहीं बनाएंगे। इतने अधिकारी हैं, इतने सेक्रेटरीज, इतने सचिव हैं केंद्र में और प्रदेशों में, सब अंग्रेजी में लिखते हैं और अंग्रेजी में फाइलें करते हैं। हिंदी में इतनी शर्म है, आप छोड़िए, आप एसी सेकेंड में रेल में बैठ जाइए, वहाँ आपको 50% से ऊपर सारे लोग अंग्रेजी की किताब पढ़ते मिलेंगे, भले उनको अंग्रेजी ना आए, और टूटी फूटी और गंदी अंग्रेजी बोलते देखे जाएंगे। मुझे भाषा से विरोध नहीं है, अंग्रेजी जानी जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा, तमाम देश है, चीन है उसकी अपनी भाषा है, रूस है अपनी भाषा है, कहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है जैसा कि अपने यहाँ है। वहीं दूसरी ओर विंध्याचल महाविद्यालय में मानस मर्मज्ञ ज्ञानवती अवस्थी ने हिंदी पर बोलते हुए कहा, और कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा राम जी को मनुष्य मत समझो। एक बार बड़ी फते की बात कही लक्ष्मण जी ने, कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकत अनादि अनूपा। राम ब्रह्म, राम मनुष्य नहीं है, ये तो हम सब के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, भगत भूमि भूसुर सुरहित लागी कृपा, सबके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन धारण किया है, नरूप धारण किया है हमारे लिए, लोग की शिक्षा देने के लिए, तब उसको संतोष हुआ। तो सवेरे भगवान केवट से नाव मांग करके पार हो गए। अब केवट का एक अलग प्रसंग है, बहुत बड़ा प्रसंग गोस्वामी है।